हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मेडिकल माय लाइफ आज हम सीखेंगे बाय लुकिंग एट द चेस्ट एक्सरे हाउ वी कैन टेल वेदर इट इज़ पी ए व्यू और एपी व्यू सबसे पहले समझते हैं हम पी ए व्यू की टेक्निक देखिए इन पी ए व्यू पेशेंट चेस्ट इज डायरेक्टेड टूवर्ड एक्सरे फिल्म और जो हमारी एक्सरे ट्यूब से एक्सरे बीम निकलती हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है पोस्टीरियर टू एंटीरियर ऑफ पेशेंट बॉडी इसी वजह से हम इसको पोस्टीरो एंटीरियर व्यू बोलते हैं नेक्स्ट इस पी ए व्यू में एक्सरे ट्यूब और फिल्म प्लेट का डिस्टेंस कितना होता है सेवेंटी टू इंचज सिक्स फीट और वन एट्टी सेंटीमीटर इसको हम बोलते हैं ट्यूब टू फिल्म डिस्टेंस नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए पी ए व्यू में जो हमारी एक्स बीम्स एंटर करती हैं पेशेंट बॉडी में वो कैसी होती हैं पैरेलल होती हैं अब हम सेम थ्री पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे एपी व्यू से एपी व्यू में एक्सरे ट्यूब और एक्सरे फिल्म के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू पी ए व्यू और यहां पर हमारी किस तरह की रेज होती हैं डाइवर्जिंग एक्सरे एंटर करती हैं पेशेंट की बॉडी में एज यू कैन सी इन दिस इमेज ठीक है अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है पीए व्यू में पेशेंट को हम कैसे बोलते हैं तो पीए व्यू में पेशेंट इज आज टू कीप हिज चिन अप एंड कीप बोथ ऑफ हिज हैंड ऑन वेस्ट इससे क्या होगा स्कैपुला हमारी लेटरली प्लेस हो जाएगी एंड इट डज नॉट ऑब्सक्योर लंग फील्ड अब मैं इस पॉइंट को आपको समझाता हूं एक्सरे के थ्रू सो दिस इज लंग फील्ड ऑफ पीए व्यू एंड दिस इज़ लंग फील्ड ऑफ ए पी व्यू पी ए व्यू में आप देख सकते हैं जो हमारी स्कैपुला है उसके बॉर्डर्स हमारे लंग फील्ड को ऑब्सक्योर नहीं कर रहे हैं तो हमें लंग फील्ड बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है लेकिन ए पी व्यू में हमारे स्कैपुला के बॉर्डर लंग फील्ड को ऑब्सक्योर कर रहे हैं इस वजह से हमारी लंग फील्ड अच्छे से विजिबल नहीं हो रही है नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्ड चेस्ट एक्सरे हम कैसे एक्वायर करते हैं सो स्टैंडर्ड टेक्निक क्या होती है जो हमारा चेस्ट एक्सरे होना चाहिए वो पी ए व्यू में होना चाहिए पेशेंट इरेक्ट पोजिशन में होना चाहिए और हमारे जो लंग्स हैं वो मैक्सिमली फिल्ड होने चाहिए एयर के साथ इसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड एंड इंस्पिरेशन तो अब ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसको अचीव करने के लिए क्या किया जाता है पेशेंट को हम बोलते हैं टू टेक डीप ब्रेथ एंड होल्ड हिज ब्रेथ ऑन बीम प्रोजेक्शन तो इससे हमारा क्या होता है लंग्स गेट मैक्सिमली फिल्ड विथ एयर अब तो ये हमारा था स्टैंडर्ड चेस्ट एक्सरे लेकिन कुछ केसेज में हम स्टैंडर्ड चेस्ट एक्सरे एक्वायर नहीं कर पाते जैसे कि बेड रिडन पेशेंट अनकॉन्शियस पेशेंट नॉन कॉपरेटिव पेशेंट या फिर पीडियाट्रिक एज ग्रुप तो इनमें हमें क्या करना पड़ता है ए पी व्यू करना पड़ता है सो so, अब हम देखते हैं ए व्यू के बारे में ए व्यू में क्या होता है जो हमारी एक्सरे ट्यूब होती है एक्सरे जो ट्यूब होती है वो पोर्टेबल होती है पोर्टेबल एक्सरे ट्यूब इज़ टेकन टू द बेड साइड ऑफ द पेशेंट और जो हमारी एक्सरे फिल्म होती है उसको हम पेशेंट बॉडी के नीचे रख देते हैं जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं दो पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पर एक्सरे ट्यूब और फिल्म का डिस्टेंस कम होगा एज़ कम्पेयर टू पी व्यू और यहाँ पर हमारी डाइवर्जिंग एक्सरेज आएंगी लेकिन जो हमारा पी व्यू था वहाँ पर कैसी एक्सरे आ रही थी पैरेलल एक्सरेज आ रही थी नेक्स्ट हम देखेंगे पी व्यू वर्सेस ए व्यू इन चेस्ट रेडियोग्राफ सो अगर आपके पास एक चेस्ट एक्सरे है और आपको पता लगाना है कि वो पी ए व्यू है या फिर ए पी व्यू है तो आप कुछ पॉइंट्स देखेंगे फर्स्ट इज हार्ट साइज देखिए जो हमारा पी ए व्यू है और ए पी व्यू है इसमें हम अपने हार्ट साइज को कंपेयर करते हैं तो ये है हमारा पी ए व्यू में हार्ट साइज ए पी व्यू में ये हार्ट साइज है तो आप देख सकते हैं ए पी व्यू में हार्ट का साइज़ क्या है बड़ा है हार्ट मैग्नीफाइड है तो यहाँ पर हमें ए व्यू में फॉल्स कार्डियोमिगैली मिलती है मैग्निफाइड हार्ट मिलता है अब इसके दो रीजन्स होते हैं देखिए पहला रीजन्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पी ए व्यू में हमारी पैरेलल बीम्स ऑफ एक्सरे एंटर करती हैं लेकिन ए पी व्यू में हमारी डाइवर्जेंट एक्सरे होती हैं इस वजह से नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन हार्ट एंड फिल्म इज़ लार्ज इन केस ऑफ ए पी व्यू तो अब आप इस डायग्राम से समझिए देखिए यह है हमारा PA प्रोजेक्शन पी प्रोजेक्शन में हार्ट और फिल्म के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है इस वजह से जो हमारी एक्सरे बीम होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज की इमेज प्रोड्यूस करती है ऑफ हार्ट ऑन एक्सरे फिल्म लेकिन ए प्रोजेक्शन में हार्ट और फिल्म के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है जिस वजह से हमारी जो डाइवर्जिंग एक्सरे होती है वो हार्ट का मैग्नीफाइड इमेज हमें एक्सरे फिल्म पे दिखाती है सो दिस इज द रीजन वाई वी सी फॉल्स कार्डियोमे गैली इन एपी व्यू नेक्स्ट हमें देखनी है स्कैपुला स्कैपुला के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जो हमारी एपी व्यू है उसमें हमें क्या मिलेगी शेडो ऑफ स्कैपुला मिलेगी ओवर लंग फील्ड लेकिन पी ए व्यू में ये शेडो हमें नहीं मिलती है क्यों क्योंकि वी आज द पेशेंट टू कीप हिज हैंड्स ऑन हिज वेस्ट सो दैट स्कैपुला इज ड्रॉन अवे फ्रॉम द लंग फील्ड नेक्स्ट इज रिब्स सो रिब्स आर मोर पैरल इन एपी व्यू एंड मोर ऑब्लिक इन पी ए व्यू तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो हमारी रिब्स हैं पीए व्यू में ऑब्लिक हैं और ए पी व्यू में हमारी कैसी हैं पैरल हैं ठीक है तो ये हमारा हो गया रिब्स का नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लैविकल clavicle की क्लैविकल्स आर सीन अबव द एपेक्स ऑफ लंग फील्ड्स इन ए पी व्यू तो हम ए पी व्यू में क्लैविकल को देखते हैं तो ये है हमारी एपेक्स ऑफ लंग फील्ड क्लैविकल हमें इसके अबव दिख रही है तो यहां पर हो गई हमारी क्लैविकल वाइल इन केस ऑफ पी ए व्यू क्लेविकल इज़ सीन ओवर द लंग फील्ड्स तो यहाँ पर हमारी क्लैविकल ओवर द लंग फील्ड आ रही है वन मोर डिफ्रेंशिएटिंग फीचर इज़ जो हमारी एक्सरे बीम होती है इन केस ऑफ ए पी व्यू वो हमारी पेशेंट की बॉडी से बहुत क्लोज होती है इस वजह से मोर एक्सपोजर होता है और ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो हमारी जो एक्सरे रेडियोग्राफ होता है वो ब्लर हो जाता है इन पी एपी व्यू लेकिन पी ए व्यू में डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से एक्सपोजर कम होता है और हमारी क्लियर इमेज बनती है सो दिस इज़ ऑल अबाउट चेस्ट एक्सरे हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन पी ए व्यू एंड ए पी व्यू बाय लुकिंग एट चेस्ट एक्सरे सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच